लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कटघोरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधायक महोदय ने कहा, सालों से अधूरा पड़ा स्टेडियम बनेगा सर्व सुविधा युक्त। आज के दिन देश में संविधान लागू हुआ था, जिसको 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर में कटघोरा के हाई स्कूल प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कटघोरा विधायक माननीय पुरुषोत्तम कंवर, नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष रतन मित्तल व अन्य अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम विधायक महोदय ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दिखाई। हर साल की तरह इस बार भी कटघोरा हाई स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक महोदय ने ध्वजारोहण किया। मार्च फास्ट दौरान विधायक महोदय ने परेड को सलामी दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ स्कूली बच्चों ने तरह तरह की प्रस्तुतियां बिखेरी, जिसमें देश के सेना व जवानों को लेकर बहुत ही शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। महोत्सव में विभिन्न विभागों से झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी को पुरस्कार वितरण कर महोत्सव का समापन किया गया। विधायक महोदय ने भाषण के दौरान सभी को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कटघोरा में मात्र हाई स्कूल मैदान ही खेलने का स्थान है और यह स्टेडियम सालों से अधूरा पड़ा है, जिसको जल्द ही सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के रूप में तैयार किया जाएगा। क्लिपर 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.